पिछले गुरुवार को विरार पश्चिम स्थित अरनाला पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बोलिंज के कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में पैसे भरने आई वाहन को गाड़ी चालक लेकर फरार हो गया था। उस गाड़ी में 4,58,00,000 रुपए थे, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस वरिष्ठों के आदेश पर टीमें गठित की गई और जांच शुरू कर दी गई, जिसके उपरांत पुलिस ने कामयाबी पाते हुए 3 आरोपियों सहित 2,33,60,000 रुपए वो कैश वैन बरामद की है, जिसको लेकर आज पुलिस आयुक्तालय में एक पत्रकार परिषद रखी गई। अरनाला पुलिस स्टेशन के एरिया में बुड़ीज गांव, वहाँ पे 12 नवंबर को दिवाली के पहले ही दिन राइटर्स कंपनी की जो कैश वैन थी वो लेके उसका ड्राइवर भाग गया था। वो वैन के साथ लगभग 4,25,00,000 के कैश थे। उस हिसाब से इमीडिएटली FIR रजिस्टर हुआ। उन्होंने इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने स्टेट DG कंट्रोल, बाकी जो थाने सिटी कंट्रोल है, नई मुंबई कंट्रोल है, मुंबई सिटी कंट्रोल है, हमारे इंदिरा भवंदर वसई आयुक्तालय के एरिया में पूरी जगह नाकाबंदी वगैरह लगाई थी। उसी दरमियान सुबह रात पर हमने घूमने के बाद सुबह के दरमियान हमें कल्याण नाका के पास वो गाड़ी ऐसे ही अनक्लेम्ड कंडीशन में छोड़ के वो भागा। ऐसे लगा गाड़ी हमने चेक की तो उसमें गाड़ी में से लगभग 2,33,60,000 रुपीज़ वो गाड़ी में से हमें रिकवर हुआ। बाकी की कैश लेके वो जो ड्राइवर है और उसके जो साथीदार है वो वहाँ से भाग चुके थे। उसके जो मेन एक्यूज है ड्राइवर, उसके नाम वगैरह हमें कंपनी से मिले थे, सब डिटेल्स भी मिले। उस आधार पे हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका एक फ्रेंड अक्षय प्रभाकर मोहिते, ये भी एक केस में शामिल है। उसके साथ दूसरी गाड़ी लेके ये एरिया में आया था, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला। उसी को इमीडिएटली खारगर में क्राइम ब्रांच और अरनाला पुलिस स्टेशन ने उसको कस्टडी में लिया। उसके इंट्रोगेशन में पता चला कि जो रोहित आरू है मेन एक्यूज, वो नगर भीड़ एरिया में उसके दोस्त लोगों के साथ घूम रहा है और उनके घर में छुप छुप के रह रहा है, एक दो तीन फ्रेंड के घर में। उस हिसाब से इमीडिएटली अरनाला पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीम गई थी। उन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया, आसपास एरिया का CCTV वगैरह निकाला, रूट में से निकाले, तो एक गांव में वो उसका मेल होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। रात को वहाँ पे रेड करने के बाद वो घर में सोया हुआ मिला और उसके साथ 1,88,19,100 रुपीज़ वहाँ से रिकवर हुआ है। एक केस में लगभग 4,25,00,000 में से लगभग 4,23,29,000 रुपये रिकवर हुए हैं। बाकी के जो रकम है वो उसने शायद रिलेटिव को दिया होगा या टैक्सी और अदर एक्सपेंसेस उसने किए हैं उसमें गए हैं, ऐसे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, इस वारदात को अंजाम देने के लिए कितने लोगों ने प्लानिंग बनाई थी? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 3 लोग हमने अरेस्ट किए, जो मेन वैन का ड्राइवर है रोहित आरू, उसको मदद करने वाला, और यहाँ तक वो दूसरी गाड़ी लेके आया हुआ वो अक्षय मोहिते, और उसको रात को जिसने छुपाया था जो कैश छुपाई थी वो उसका जो फ्रेंड है वो चंद्रकांत गुलाब गायकवाड़, ये 3 लोग अरेस्ट है। बाकी का कोई किसी का उसमें पार्टिसिपेशन है क्या, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, क्या वो क्या वजह थी कि आरोपी ने ये स्टेप लिया? क्या पॉवर्टी थी या क्या थी? पॉवर्टी तो है, आरोपी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ड्राइवर का काम करता है घर में, उसके 3 भाई है, उसके पिता नहीं है, तो हो सकता है कि पैसे के लालच में ये किया होगा। उसने 2-3 दिन पहले भी उन्होंने प्लानिंग किया था, उसमें से 2-3 फ्रेंड को उसने बताया भी था प्लानिंग करके कि तुम मदद करो, आप मदद करो, लेकिन उसमें से एक तो डिटेक्ट हो रहा है कि उसने उसको मदद की है। बाकी दोस्तों के बारे में हम रोल उनका क्या है वो चेक कर रहे हैं। बोली नाके से अकेले ड्राइवर लेके गया था कि दोनों साथ में थे? सर, बोली नाके से तो अकेले ड्राइवर ने लेके गया था, बाद में उसको कैश लेने में बैग में भागने में शायद दूसरे दोस्त ने मदद की है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड? आरोपी जो रोहित आरू है उसके आधार, उसके ऊपर तो कोई अभी क्राइम नहीं दिख रहा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं उसके बारे में। सर, ये लूट के अंजाम देने के बाद उसकी आगे की प्लानिंग क्या थी? आगे का प्लानिंग यानी ये पैसा जो उसके पास था उसमें से कुछ रिलेटिव को दे के उसके बचे हुए पैसे लेके वो लद्दाख या कश्मीर जाने का उसका प्लान चल रहा था, ऐसे प्राइमरी स्टेज पे है।
फर्दर हम चेक करें कि उसने कुछ टिकट वगैरह निकाला था, कहाँ का बुकिंग किया था, कि वो चेक करें। सर इसमें सिक्योरिटी इंचार्ज है जो मैनेजर रहता है उस वैन का, उनका नैप्स है कि नहीं यहाँ पर सिक्योरिटी नैप्स? नहीं, प्राइम ऑफिस तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो कंपनी चेक करेगी लैप्स है कि नहीं वो, लेकिन प्राइम ऑफिस तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वैसे वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।